नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, क्या भी आप शादियों में गन फायर करते हैं? क्या आप इस तरीके से एयर विद पिस्टल वन से गन फायर, इस तरीके से किसी भी तरीके से क्या आप गोलियां चलाते हैं? मतलब कोई सेलिब्रेशन होती है क्या? आपने ये सब होते हुए देखा है शादी में, पॉलिटिकल रैली में, या किसी नेता के जीतने पर भी तरीके की खुशी में आपने क्या गोली चलाई है हवा में, या फिर ऐसा होते हुए देखा है अपने आसपास? तो दोस्तों, हो जाइए सावधान। अंत वीडियो जो है आपके पैरों तले जमीन निकालने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप हवा में फायर तो कर देते हैं, क्या आपको पता है हवा में फायर करने के बाद भी आप किसी की जान ले सकते हैं? हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप बिना किसी रीजन के कहीं हवा में भी गोली चलाते हैं तो आप किसी को मार सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरीके से होता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग में किसी को फायरिंग करते हुए, सर आप में धुत्तो के, या कई बार लोग ऐसी खुशी खुशी में फायरिंग कर देते हैं। तो वो ये, उन्हें ये नहीं पता होता उस समय वो फायरिंग तो कर देते हैं, क्या वो जो गोली चलती है क्या वो हवा में ही गायब हो जाती है कहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप स्ट्रेट भी रखेंगे, अगर 90 डिग्री का एंगल भी होगा और गोली चलेगी तो भी वो एक जगह ग्रेविटी उसकी जीरो होके वो 2-3 किलोमीटर का ट्रेवल कर सकती है दोस्तों। तो क्या आप ये सब जानते हैं? दोस्तों, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप गोली आप स्ट्रेट भी चलाएंगे तो वो हवा का भी उसका मेन रोल होगा। एक तो आप गोली चलाते हैं स्ट्रेट तो कम से कम 1-2 किलोमीटर तक गोली ऊपर जा सकती है, और साथ में जो है वो ट्रेवल करके 2-3 किलोमीटर भी अपना ट्रेवल तय कर सकती है, तो कहीं भी जाके वो किसी को भी इंजर्ड और यहाँ तक कि दोस्तों जान भी ले सकती है। साइंटिफिक रीजन की बात करें तो अगर इस तरीके से अगर किसी ने गोली चलाई है किसी भी फंक्शन में अपनी मूर्खता दिखाते हुए, तो ये तरीका तो होता नहीं दोस्तों कि गोली चला के सेलिब्रेट किया जाए। ये वीडियो दोस्तों एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो उसको इस हिसाब से लेना। अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो अभी तुरंत बंद कर दीजिए। एक तो ये इल्लीगल है दोस्तों, ये सब करना ना सरकार ये बोलती है, और अरेस्ट सीधे सीधे आप हो सकते हो, आप पे मुकदमा भी चल सकता है, आप पूरी मुसीबत में आ सकते हो किसी ने कंप्लेंट कर दी। दोस्तों देखा जाता है बहुत से कुछ मूर्ख प्राणी होते हैं जो कि किसी भी वजह से गोली चला देते हैं, खुशी में कहीं भी बैठे हैं, मन किया और गोली चला दी, लेकिन वो ये नहीं सोचते क्या हमने हवा में गोली चला दी, क्या वो गोली केवल हवा तक रही, 90 डिग्री का कोण बना तो 2-3 किलोमीटर तो वैसी दूरी तय कर ली, हो सकता है वहाँ पे कोई इंसान भी हो या कोई भी जानवर हो सकता है वहाँ पे, जैसी वो ट्रेवल करके माना जा सकता है कि उतनी स्पीड नहीं होती दोस्तों जितनी चलने के दौरान होती है, लेकिन 30% अगर वो भी स्पीड रही उसकी वो तब भी किसी को इंजर्ड कर सकती है ऐसी जगह किसी के लग गई। तो काफ़ी सारे केसेस आए हैं या आप देख सकते हैं कि लोगों की जान भी जा चुकी है, और अक्सर इंडिया में शादियों में देखा जाता है गोलियां चलाने का प्रचलन, ये अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है कि सरकार ने सीधे सीधे बोला है कि ये इलीगल है, आप इस तरीके से सेलिब्रेट करना ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, लेकिन अभी भी ना नेता लोग मानते हैं ना शादियों में कुछ मूर्ख लोग मानते हैं, इतनी सारी दोस्तों इंजरी भी सामने आई है। तो दोस्तों हर वीडियो में साफ है कि कहीं ना कहीं लोग इंजर्ड होते हैं, शराब पी के गोलियां चला देते हैं और ये नहीं सोचते कि क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने गोली चलाई इस तरीके से एंगल बना के लोगों के ऊपर से गोली चली जाएगी, कई बार बैटिंग में या किसी फंक्शन में कई बार ये होता है, जैसे हम गन चलाते हैं तो गन थोड़ी मुड़ भी जाती है कई बार, तो मुड़ने की बात यह है कि कोई खड़ा है इधर सामने तो उसके लग जाती है कई बार, यही हुआ है इंडिया की बैटिंग में और बहुत सारे फंक्शन में लोगों को इस तरह लोग इंजर्ड हुए हैं या फिर लोगों की जान जा चुकी है। साथ में अगर हम आपको बताएं, अगर आप 45 डिग्री पे अगर गोली चलाते हैं तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादातर आप ये भी कहेंगे कि भाई 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 फायरिंग की जाती है जब कोई शहीद होता है। तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि उस समय जो बुलेट फायर की जाती हैं
उसको बुलेट से कुछ हार्म नहीं होता दोस्तों, केवल वो किस बुलेट्स की सलामी दी जाती है, और नकली बुलेट्स होती हैं वो कोई असली नहीं होती जिनसे इंसान को नुकसान हो किसी भी तरीके का। उस हम आपको बता दें कि कई बार आपने भी सुना होगा जब कोई आर्मी की लड़ाई होती है तो गांव के गांव खाली किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब फायरिंग होती है तो इस तरीके के कोण बनते रहते हैं, तो कहीं भी गोली जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो हवा में भी फायरिंग हुई या कहीं पर भी हुई तो वो वहीं तक ही नहीं रहती, वो कोण बनाती हुई गोली इस तरीके से भी ट्रेवल कर ससकती है। ऐसे गोली कई बानिए के कोण बनाया वो इस तरीके से नीचे ट्रेवल करते करते ग्राउंड पे आते आते किसी को लग सकती है। 2 से 3 किलोमीटर या 4 से 5 किलोमीटर वो गन के हिसाब से डिपेंड करता है कौन सी गन उनके पास है, वो ट्रेवल करके किसी के भी सर में पैर में या किसी को इंजर्ड या किसी को मार सकती है। इसलिए ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो हम देखते हैं उसमें गांव के गांव भी खाली कराए जाते हैं जिससे कि किसी को कोई हानि ना हो, उनको मुआवजा भी दिया जाता है कि आप कहीं और रहिए हम आपको सरकार उनको पैसे देती है कहीं और रहने के भी। और लेकिन दोस्तों लोग अभी भी नहीं मानते हैं, कई बार शादी इवेंट हो या कुछ भी हो तो लोग जहाँ ही नहीं हर जगह का ये हिसाब है, फॉरेन में भी ये चीज़ें होती हैं, लोग हवा में फायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि एक मूर्खतापूर्ण कार्य। कई बार दोस्तों पिक्चरों में भी हम देखते हैं कई बार कि इस तरीके से गोली चलाई और वो ऐसे घूमती हुई गई। दोस्तों कई बार ये इतना सही नहीं होता लेकिन कहीं कुछ हद तक वो चीज़ें सही रहती है। ट्रैवल कितने किलोमीटर गोली कर सकती है और वापस वो गोली जो ऊपर गया है या जिसने ट्रैवल किया है वो चीज़ वापस तो आएगी दोस्तों ऊपर। आसमान में कोई चीज़ नहीं खो जाती, आसमान में अगर आप कुछ चीज़ फेंकोगे तो ऑब्वियसली बात है नीचे तो आएगी। वो डिपेंड करता है ऊपर हवा कैसी है उस हिसाब से चीज़ ट्रैवल करती हुई जाएगी। वहाँ तक तो नहीं आएगी जहाँ आप खड़े हैं, आपने गोली चलाई है वहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करके किसी को भी लग सकती है। अगर आप एंगल चेंज करते जाओगे 45 डिग्री कभी 30 डिग्री ऐसी मजे में आपने गोली चला दी कहीं भी तो वो कहीं भी पहुँच सकती है, कितने भी किलो 4 से 5 किलोमीटर भी तय कर सकती हो, कहीं भी किसी को हर्ट कर सकती है। कि कई बार बहुत सारी इंजरी देखी गई हैं कि जिसमें पता नहीं चला लोगों को ये बुलेट कहाँ से आई है और कैसे लग गई है। इसका रीजन यही है, फॉल डाउन होता है, फॉल डाउन होते होते गोली कहीं भी ट्रैवल कर सकती है और किसी के लग सकती है। किसी को माइनर इंजरी होती है, वो बुलेट के हिसाब से कौन सी बुलेट है और किस हिसाब की गन से फायर किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को चारों तरफ फैला दो क्योंकि इंडिया में तो खास तौर पे देखा जाता है कि लोग नहीं मानते और वो सोचते हैं शायद उन पे लाइसेंस है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइसेंस होके भी ये इल्लीगल है दोस्तों, आप पे मुकदमा चलेगा ही चलेगा चाहे आप पे लाइसेंस ही बंदूक हो अगर आप हवा में फायर करते हैं। हवा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं आप जान पूछ के कहीं वेडिंग में फायर कर दिए और उसकी ऑन द स्पॉट किसी के लग गई। हवा में अगर आप फायर करते हो किसी को इंजर्ड होता है आसपास के एरिया में और पता चलता है वहाँ पे फायरिंग हुई थी, उस बंदे ने फायरिंग की थी, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है क्योंकि ये इलीगल है। एयर में भी फायरिंग करना इलीगल है। वो लोग कितना फॉलो करते हैं, कितनी सरकार इस पे काम करती है देखने वाली बात है, लेकिन समझदारी इसमें ही है। अगर आप इस तरीके का काम करते हैं मूर्खतापूर्ण चीज़ तो आप बंद कीजिए। और ये सोशल अवेयरनेस वीडियो अगर आप भी किसी शादी में गए हैं या किसी भी इवेंट में गए हैं ऐसा कोई करता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको तुरंत वहीं पे रोक दें और बताएं उसको ये किस तरह और लोगों को हार्म कर सकती है, वहीं के लोगों को नहीं कुछ डिस्टेंस पे जो लोग हैं उनको भी। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से शेयर करेंगे जिससे कि एक सोशल अवेयरनेस है और लोग इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत्यमेव जयते।